कॉलेज में गया था तब अच्छी मोटिवेशन मिली। जब 2015 में ज्वाइन करा था मैंने गिरोडीवल कॉलेज, तब मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वहाँ से। Hi, Yogesh. हेलो। So I'll start with the introduction first, and I welcome you on the discussion. Discussing the discuss, काफी precise हम लोगों ने नाम सोच कर रखा था. And first of all, congratulations for selected for representing India. You'll be representing India. I think it's a big honor. काफी बड़ी बात है, और हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं आज. और शायद हमारी आपसे कल जब एक कैजुअल कन्वर्सेशन हो रही थी, तो हम लोग का यही था कि हम लोग एक ओपन सेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक एथलीट जब एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बाद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है एथलीट की कि वो एक आगे की जनरेशन को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं. और उस मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है कि एक स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये सेशन रखना बहुत जरूरी है. हाँ जरूर। तो हम लोग बस बहुत ही मतलब आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम इसको तीन पार्ट में है ना, इसे डिवाइड करेंगे कि आपका पास्ट में क्या रहा, प्रेजेंट में क्या था, फ्यूचर क्या था. ये एक तीन एक डिवीजन है. तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि कहाँ से शुरुआत हुई आपके गेम की, कहाँ से आपने सोचा कि डिस्कस. और एक ऐसा गेम है डिस्कस की हम लोग शायद कम सोचते हैं, मतलब सोचते ही नहीं है डिस्कस के बारे में. सोचता तो कम ही है डिस्कस थ्रो के बारे में। लेकिन हाँ मैंने 2017 में स्टार्ट करा डिस्कस थ्रो करना। मेरे अच्छा कॉलेज में मतलब सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे पैरा एथलेटिक्स गेम्स होते हैं, तो मैं शुरू से मतलब जिम वगैरह जाता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू ऐसे मतलब एथलेटिक्स खेल एक बार, उसके अंदर तू अच्छा कर सकता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था कि रोडीवल कॉलेज के अंदर, तब फिर मैंने एक बार जाके देखा तो मुझे अच्छा लगा वहां पर। और मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो मैंने डिस्कस थ्रो ही देखा था, तो मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे को इतना प्यार हो गया था डिस्कस से, तो मैंने डिस्कस थ्रो ही स्टार्ट कर दिया था करना। फिर उसके बाद से फिर मैं 2018 में मैंने अपना पहला डेब्यू करा था इंटरनेशनल में। तो आपने 2017 में सोचा और 2018 में आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे थे. और मतलब ये बात, ये हाल फिलहाल की बात है. अगर मैं बचपन से बात करूं तो मतलब आपकी दिनचर्या क्या थी, क्योंकि अगर आपने 2017 में खेल के बारे में सोचा है, तो जरूर इसके पीछे एक ऐसी ऐसा एक एक थॉट प्रोसेस रहा होगा जो पहले से कहीं ना कहीं खेल से तो जुड़ा ही होगा. हाँ, तो मैं उस स्टार्टिंग से मतलब बचपन में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता था। मतलब कुछ भी हो, मतलब गेम वगैरह खेलता था, क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन वगैरह। बैडमिंटन बहुत ज्यादा खेलता था मैं, बास्केटबॉल। फिर लेकिन जब 2006 में मुझे ये बीमारी हुई, जीबी सिंड्रोम, उसके बाद से फिर मैं थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन मेरा मन में रहता था कि मैं खेलूं। हम लोग अगर हमारे दिमाग अगर हमको दिन में थोड़ा सा सिरदर्द भी हो जाए, तो शायद हम लोग अपने दिन का जो रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, उसको ब्रेक कर देते हैं. लेकिन अगर अगर आप जो सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, उसके साथ में क्या थॉट प्रोसेस था जो चेंज हुआ, और फिर कैसे आपने सोचा कि नहीं, ये अब मैं हूँ, योगेश जो है वो इसके साथ में ही है, और योगेश को इसके साथ में ही आगे बढ़ना है. तो मतलब वो चीज उस टाइम पे क्या था आपके दिमाग में जो आपको डेली मोटिवेट करता था? मोटिवेट करता तो था, जैसे मतलब काफी लोग बच्चे मतलब स्कूल टाइम में मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन जब कॉलेज में गया था तब अच्छी मोटिवेशन मिली। जब 2015 में ज्वाइन करा था मैंने गिरोडीवल कॉलेज, तब मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे तो वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे वहां से। तब फिर मैं अपने आप को वहां से मतलब इतना अच्छा बूस्टअप हुआ मोरल। फिर मैंने आगे जाके मतलब अच्छा हो गया था मेरा मोराल, तो मैं डरता नहीं था फिर किसी से। पहले मैं बहुत हेजिटेशन करता था। तो मतलब शायद स्पोर्ट्स की वजह से एक अगर ऐसा कुछ अंदर एक ये कोई पार्ट था जो बाहर आने से कतरा रहा था, तो शायद खेल की वजह से वो वाली चीज भी खत्म हो गई, एंड अपने आप को हम लोग एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं ज्यादा. हाँ, मतलब स्पोर्ट्स करने के बाद से तो अच्छा था, मेरे को कॉन्फिडेंस मतलब लेवल अच्छा हो गया। मैं बोलने में भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, तो
लेकिन अब थोड़ा मैं बोल लेता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा शाय था, मैं मतलब कोई भी लाइव सेशंस भी नहीं करता था, मेरा पहला लाइव सेशंस फिर मैंने स्टार्ट करा धीरे धीरे करके, नहीं तो मैं कोई भी इंटरव्यू भी नहीं देता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद से। लेकिन अब धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा बूस्टअप हो रहा है मेरा कॉन्फिडेंस, तो मैं अब लाइव सेशंस वगैरह सब करता हूँ और इंटरव्यू वगैरह भी प्रॉपर दे पाता हूँ। जो आपका ऑफिशियली जो पेज है वहाँ पे कुछ हॉबीज और इंटरेस्ट लिखे हुए थे, एंड उसमें एक हॉबीज थी जो गेमिंग एंड इन सब चीजों के आसपास कुछ था, इंटरनेट गेमिंग। तो क्या वो चीज सही है कि पार्ट टाइम में जब जब भी आप अपने फील्ड डिस्कस से फ्री होते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलें? हाँ मैं प्रिफर करता हूँ जब भी मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, देखो अगर हम कुछ चीज को दिन से कर रहे हैं ना और उसके साथ थोड़ा फन भी अगर ऐड कर लेते हैं हम पार्ट टाइम में, आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है। ऐसा नहीं, आप सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ थोड़ा अगर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट करी, अभी करंटली पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ मैं अपनी, तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत ई स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, जो भी मेरी गेमिंग्स वगैरह पबजी वगैरह वो खेलना बहुत पसंद है। लेकिन साथ साथ में मैं ये नहीं रहता उसके अंदर पूरा घुसता नहीं, मतलब 1 घंटा अगर दे दिया उसके बाद अपना मेन फोकस मेरा वही रहता है डिस्कस के ऊपर। फैमिली में क्या ये चीज कहीं पहले से भी चली आ रही थी कि आपने स्पोर्ट्स में कोई पहले से ही भी इन्वॉल्व था, या फिर आपका एक अलग से एक टेक था कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स की तरफ जाना है और प्रोफेशनली इसको खेलना है? नहीं, फैमिली में तो कोई भी नहीं खेलता था गेम स्पोर्ट्स, सबसे अलग हटके मतलब मैंने करा पूरे फैमिली में, आज तक हमारी फैमिली में किसी ने नहीं करा था स्पोर्ट्स मतलब इतना। कॉलेज में मतलब पढ़ाई के साथ आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पढ़ाई के साथ मैनेज, पढ़ाई भी मैनेज करी, अपना ट्रेनिंग भी मैनेज करी। तो एज एन एथलीट आपका आपके ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है और आपकी स्टडीज का क्या शेड्यूल रहता था? डिपेंड्स अपॉन वर्कआउट होता है, जैसे अगर जिस दिन हैवी सेशन होता है तो मैं शाम को कर लेता हूँ, क्योंकि एक टाइम लाइट होता है एक टाइम हैवी सेशंस होते हैं, और अगर ज्यादा हैवी सेशन के बाद भी बॉडी अच्छी रिकवर होने के बाद भी 2-1 घंटा बच जाता है जब भी। योगेश, तो ये थोड़ी वाली बातें थी जो थोड़ा सा पास्ट में हो गया है ना। हम लोग अब प्रेजेंट की बात करते हैं कि अभी जो पैरालंपिक्स होने वाले हैं, उससे पहले जब आप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गए थे तो वो वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा था, जो क्वालिफायर्स था आपके लिए बेसिकली कि इसके बाद क्वालिफाई करके आपका एक स्लॉट पक्का हो जाएगा पैरालंपिक्स में? 19 की बोल रहे हो आप या इस साल की बोल रहे हो? इस साल के लिए जब जब आपका स्लॉट फाइनल हुआ था पैरालंपिक्स के लिए? हाँ वैसे मुझे स्लॉट तो 2019 में मिल गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था डिस्कस थ्रो में, लेकिन हम यहाँ पर फाइनल ट्रायल देना पड़ता है एक लास्ट जिससे कंफर्म हो सके, तो तैयारी मैंने अच्छी कर रखी थी लेकिन एक्सपेक्टेशन से अच्छी थ्रो लगी थी मेरी। एंड अगर मैं उस पर्टिकुलर उस मोमेंट की बात करूं जब आपको ये चीज बताई गई थी कि आप नाउ आपका स्लॉट जो है वो फाइनल हो गया है पैरालंपिक्स के लिए, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए एंड फैमिली के लिए एंड पूरी फ्रेटर्निटी के लिए, यानी ट्रेनिंग जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए? सबके लिए अच्छा था, मेरे कोच के लिए भी अच्छा था, जो मेरे ट्रेनर है वो उनके लिए भी अच्छा था, फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे और मेरे गांव वाले सबसे ज्यादा खुश थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कोच की बात करी है तो हम लोग चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ बताइए ताकि जो भी एथलीट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं ना, वो आपकी और उनके जो भी टर्म्स हैं उनको आपकी उनकी उनका ट्रेनिंग सेशन आपके साथ आपका कम्युनिकेशन क्या, मतलब एक गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है उसके बारे में आप कुछ बताइए थोड़ा सा। कोच के साथ तो रिलेशन अच्छा ही बना रहता है, और मतलब वो वैसे कोच की तरह ट्रीट नहीं करते, मतलब अच्छा ट्रीट करते हैं, और जितने भी सेशंस होते हैं वो मतलब अच्छी तरह से करवाते हैं, बिल्कुल माइनर माइनर जो मिस्टेक्स भी होती है उसको भी बताते हैं, पूरा टेक्निकल भी चलते हैं हम लोग, और डाइट पे फोकस करते हैं, न्यूट्रिशन प्लान और हमारा फिजियो वगैरह सारा मतलब जितना भी चीज होता है वो एकदम अच्छे से करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी पैरालंपिक्स के लिए? अभी कूल डाउन चालू हो गया है या फिर टैपरिंग चल रही है, क्या चल रहा है? कूल डाउन तो अभी सीधा ओलंपिक के बाद ही चलेगा, पैरालंपिक्स के बाद, अच्छा सॉरी पैरालंपिक्स के बाद ही कूल डाउन अच्छा चलेगा, अभी तो सीधा पीक लेवल स्टार्ट करेंगे जैसा मतलब कोच बताएंगे वैसे ही करेंगे, और उम्मीद है कि मैं इस बार अच्छा परफॉर्म करूंगा।
हम लोग ये सोचे चलते हैं कि शायद कुछ दिन पहले, पिछले महीने तक कोई जैवलिन को नहीं जानता था, है ना, लेकिन अब पूरा देश जैवलिन को जानता है ना। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ डिस्कस के साथ भी हो। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ शायद आप करें उस एक स्पोर्ट को प्लेटफॉर्म पर लेकर आने के लिए। सब लोग बात करें कि डिस्कस क्या होता है, कोशिश क्योंकि तो जब पूरी रहेगी। जी क्योंकि जब आप जैसे बात कर रहे थे कि गांव में लोग बहुत खुश थे, तो जब शायद कोई एक एक प्लेटफॉर्म से कोई मेडल आता है, तो सिर्फ वो एक मेडल नहीं, वो हम लोग एक पूरी जनरेशन को एजुकेट कर रहे होते हैं, पूरी जनरेशन को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो उस एक स्पोर्ट को अडॉप्ट करें आगे। हाँ, मतलब आगे सब लोग भी काफी सारे, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी है, वो भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जी, और अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब कि पैरालंपिक्स तो बिल्कुल पीक पर है ही, लेकिन आप आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? कि आप डिस्कस के साथ क्या फ्यूचर देख रहे हैं, आप क्या आपने सोच रखे हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का सोचा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का सोचा है तो, लेकिन अगर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बात करें तो उसके बारे में बताइए कि क्या अगले साल के लिए कोई ऐसा इवेंट है जो आपने सोचा हुआ है पैरालंपिक्स के नेक्स्ट बाद ईयर में? के लिए मैंने एशियन पैरा गेम्स का सोचा हुआ है, जो होंगकॉन्ग में, चाइना में, उसके लिए सोचा हुआ है। ओके, तो आई थिंक हम लोग काफी ज्यादा एक एक पैरालंपियन के माइंडसेट के साथ जुड़ चुके हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी एथलीट हो जिनके दिमाग में कुछ सवाल हो, है ना, जो पूछना चाहते हो, या फिर कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो रह जाते हैं, हम लोग कभी रेफरेंसेस से पता लगा पाते हैं, है ना, शायद आपकी स्टोरी से कोई एक, अगर हम लोग एक कोई एथलीट को भी मोटिवेट कर पाए कि वो आगे पार्टिसिपेट करे, तो दैट वो एक हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। ये हमारा लाइव सेशन है। इतनी ही बातें थी, मुझे लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं अपने कंक्लूजन पे इस सेशन के। हम सबसे ज्यादा ये है कि हम लोगों को, वी वॉन्ट टू विश यू वेरी गुड लक फॉर पैरालंपिक्स, एंड वी होप कि आप जब भी वहां से लौट के आए, हम लोग आपसे दोबारा जुड़ चुके हैं और आपके एक्सपीरियंस को जान सके कि टोक्यो में कैसा एक्सपीरियंस रहा, हाँ, जरूर। और अभी के माइंडसेट में और उस इवेंट के बाद जो माइंडसेट है उसमें क्या डिफरेंस है भी या नहीं भी, ये भी जरूर जानना चाहेंगे हम लोग। हाँ, जरूर। थैंक यू योगेश जुड़ने के लिए। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।